बैक टू अनदर फूडी व्लॉग। भाई फूड की क्रेविंग्स और नाश्ते की खोज हमें एक और जगह पर आज लेकर जा रही है, और आज का आगाज़ भी ऑन रोड हो रहा है। तो आज हम जा रहे हैं फात भाई के साथ बिलावल चौरंगी की तरफ नाश्ता करने के लिए डिफेंस। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है भाई। और क्योंकि भाई ये चैनल जो मैंने बनाया है ये एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, चाहे फूड से रिलेटेड हो या जगहों से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक और फूड चेन। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। तो भाई फिर से निकल पड़े ऑन शाराए फैसल, और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ट्रेन जा रही है भाई। कितने गए ये चॉकलेट पराठा? हाँ। मंगा लो। फाद भाई ऑर्डर तो बता दो, क्या क्या मंगा लिया आपने? भाई हमने मंगवाए हैं सादर लच्छे वाला पराठा और चॉकलेट पराठा। और तेरी नई चीज़ है भाई ये, इसने बोला चॉकलेट पराठा, मैंने बोला ला के दिखाओ कैसे है। तो काफ़ी लंबा ट्रैवल करके हम पहुंच गए केलिफ्टन, लच्छा पराठा, चॉकलेट पराठा और आलू पराठा खाने के लिए। तो आइए देखें कैसा है। जब तक आप लोग ट्राई करें सिनेमैटिक, और जब तक हमारा ऑर्डर हमने कर दिया है, तो ऑर्डर जैसे ही आएगा तो फिर आपको मिलते हैं। जब तक अभी रोशनी बड़ी तेज़ पड़ रही है मुंह पे, तो भाई जैसा आएगा आपको दिखाएंगे, और रिव्यूज़ होंगे जेन्युइन, क्योंकि फात भाई साथ हैं आज। जिशान भाई नहीं है भाई, जिशान भाई आज एबसेंट है। तो इंशाल्लाह नई जगह पर आपको नया टेस्ट करा के बताते हैं। चॉकलेट पराठा कैसा बन रहा था, और अब आ गया चॉकलेट पराठा, तो वो भी देखते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़बरदस्त है यार, मुझे तो अच्छी लग रही प्रेजेंटेशन। आए आपको भी दिखाते हैं, ये देखें, ये भाई आलू पराठा और ये चॉकलेट पराठा। फात भाई टेस्ट करके बताएंगे, पहले ये चॉकलेट पराठा चॉकलेट भरा पराठा हो गया, ये चॉकलेट भरा पराठा है। खा के तो देखो, ये आ गया भाई सादा पराठा भी आ गया, लच्छा पराठा। तो देखते हैं क्या कंडीशन होती है भाई, खा के तो बताओ। स्टार्ट लो फात भाई, मीठे से ले लो पहले, ये यूनिक है, इसको पहले खा के देखो चॉकलेट पराठा है क्या। टेस्ट यूनिक लग रहा है, चॉकलेट और पराठे के साथ जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बो है, पता है, अच्छा लग रहा है। क्रिस्पी पराठा और चॉकलेट फिल। ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ, फात भाई ने तो बता दिया, मैं भी ट्राई करता हूँ। बहुत क्रिस्पी किस्म का है, चॉकलेट भरी हुई है, बहुत ही यूनिक किस्म का टेस्ट है इसका। तो भाई बहुत मज़ेदार लग रहा है, मज़ा आ रहा है खाने में। अब बड़ी बाइट में मज़ा आया ना, ज़रूर ट्राई करें भाई, मस्त बनता है फात भाई, वाकई बनता है। तो जो एक टेस्ट है ना, वो इस टाइप का है, बहुत जैसा कि हम आइसक्रीम खाते हैं ना कोन, उसके अंदर जो नीचे उसका कोन बिस्किट वेफर जो होता है, उसके साथ जो चॉकलेट आती है क्रिस्पी और चॉकलेट, उस टाइप का ये उससे मिलता जुलता कुछ है, और अच्छा लग रहा है।
मज़ा आ रहा है, एक अलग टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट। वाकई यार बहुत मज़ेदार है, ऐसे लोकेशन और ख्वारी पूरी हो गई। खा के चॉकलेट पराठा है बात। हाँ ये बात सही है, हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन दिल खुश हो गया भाई इस पराठे से तो हो गया। चॉकलेट पराठा खा के जरा मज़ा आ गया। दूसरे अब जाते हैं दूसरे पराठों की तरफ। ये आलू पराठे की, ये आलू पराठा है और ये भी आलू भरा ही पराठा है। आलू फुल और भरा हुआ है भाई इसमें, ये देखें फुल टॉपिंग हुई भी है इसी तरह चॉकलेट की भी भाई अंदर। भाई चाय ले आए भाई। कौन सा पराठा अच्छा लग रहा है यार? ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, चॉकलेट पराठा तो यार तुमने दिल खुश कर दिया। अच्छा तो मेरी तरफ से बता देना भाई, तारीफ़ कर देना बंदों को जो बना रहा था। तो ये भाई बड़ा ज़बरदस्त है, फुल चॉकलेट भरी हुई। और अब हम ट्राई करने जा रहे हैं आलू पराठा, उसको भी देखते हैं। पद भाई वीडियो कर रही है। हाँ ऐसा लग रहा है आलू के समोसे का जो अंदर मवाद होता है ना, हाँ वो है। और नॉर्मल पराठा है, आलू का पराठा स्पाइसी सा है, अच्छा है, नॉर्मल है, इतना कोई यूनिक किस्म का टेस्ट नहीं है। और चटनी के साथ शायद कुछ बेहतर हो जाए। चटनी का मज़ा कर रहा है, लेकिन आलू का पराठा नॉर्मल है, कोई इसमें वो नहीं है। चॉकलेट की जो बात है ना, सब पूरा कर दिया भाई साहब किताब। चलें देखते हैं। हाँ भाई बात भाई, आलू का पराठा कैसा लग रहा है भाई? जैसे मंसूर ने बोला वो तो सही है, नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल तरीका का सब कुछ वही है जो आम जगहों में मिलता है। लेकिन बस एक आलू के भुरते के अंदर एक खासियत ये है कि ये है स्पाइसी चटपटा। स्पाइसी तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी स्टाइल तरीक़ाकार सब वही पुराने नॉर्मल जैसा। हाँ भाई तो आलू का पराठा और चॉकलेट पराठे का रिव्यू तो आपने देख लिया। आइए अब मशहूर ज़माना लच्छा पराठा ट्राई करते हैं, तो उसका रिव्यू पहले देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये आदमी लच्छा पराठा तोड़ लो, चाय है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा भाई। पहली बात ये लच्छा पराठा ये भी फेल है, मतलब ये लच्छा पराठा नहीं है, सादा पराठा, सादा टाइप का, लेकिन लच्छे टाइप का बनाने की कोशिश की, उसको खा के देखने कैसा बना। सादा पराठा नॉर्मल टाइप, कोई स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर कि बहुत स्पेशल मज़ा हो या कोई बहुत अच्छी चीज़ हो, नॉर्मल पराठा भाई। इसलिए चॉकलेट पराठा जो है ना इतना अच्छा लगा था फात भाई को कि इन्होंने दो पीस रोक लिए थे। तो फात भाई क्यों रोके थे ये पीस? यार ये असल में इसलिए रोके थे कि हम इसके साथ चॉकलेट चाय के साथ अबे नहीं करो टेस्ट करेंगे। क्या कर रहे हो ये तुम, क्या ये तुम गुलाकंडा बना रहे हो? हाँ वजह ये कि देखो चाय में भी चॉकलेट का फ्यूजन आएगा। चलो करके देखो ट्राई, टेस्ट करते हैं कि चाय अच्छी लगती है या नहीं इसके साथ। चलो चलो ट्राई करो देखते हैं भाई। तो ये हम पहले वाइट लेते हैं, डिप किया, पराठा तो नो डाउट अच्छा है, एक मिनट अब चाय का सिप लेते हैं। कबाड़ खाना मचा क्या हुआ है? सच 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 बताना, सीरियस कह रहा हूँ। मंसूर भाई आप भी ट्राई करो, इसका बाइट लो, हाँ पराठे का, हाँ और चाय का सिप लो, चाय में भी आपको चॉकलेट फ्लेवर फ्यूजन जो है ना मिक्स हो जाएगा। तो आपको चाय भी जो है ना चॉकलेट फ्लेवर की चाय लगेगी, उसमें भी फ्लेवर आ जाएगा चॉकलेट का, चॉकलेट चॉकलेट टी पियेंगे। फात भाई की डिमांड पे मैं भी ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ, चॉकलेट विद चाय, चॉकलेट पराठा विद चाय। तो चाय का सिर्फ थोड़ी देर मुंह में रखना, उसको अंदर नहीं लेके जाना फौरन। अच्छा पहले डिप भी करना है? डिप नहीं करो वैसे ही, इसमें डिप में मज़ा नहीं आ रहा, डिप में मज़ा नहीं आ रहा। चलो ऐसे ही मैंने डिप कर लिया है, अब खा लेते हैं। पराठा नूडल भाई बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया सिर्फ लेकिन अभी हम दूसरे उसमें
बेल्ट हो गया, अब हो गया चाय का सर। थोड़ी देर मुंह में रखना सिर्फ, बहुत ठंडी है, थोड़ी देर चाय को सिर्फ मुंह में रखना। कुछ हटके टेस्ट आया, अजीब सा है भाई, टेस्ट बर्ड्स जो है ना हिल गए। कैसा अजीब सा टेस्ट है, चॉकलेट विद चाय विद पराठा, थ्री कॉम्बो हो गया। थ्री कॉम्बो टेस्ट भाई, खा के देखिएगा भाई। वैसे बात सही है कि कुछ अजीब और गरीब सा जायका है, मूवी क्या टेस्ट बर्ड्स घूम गए कि क्या जायका क्या मिल रहा है, लेकिन फिर एक बार ट्राई करना चाहिए। चाय का सिर्फ थोड़ी देर मुंह में रखना, चॉकलेट मिक्स होगी उसके साथ, फिर अंदर लेके जाना। चॉकलेट फ्लेवर टी हो जाएगी पराठे के साथ। चॉकलेट फ्लेवर टी हो गई भाई पराठे के साथ, तो बड़ा मज़ा आया। चॉकलेट पराठा भाई बहुत ज़बरदस्त। और व्लॉग इख्तिताम पे पहुंचता है, नाश्ता कर चुके हैं हम लोग और मज़ा आया, और चॉकलेट पराठे ने जो है वो तमाम चीज़ें पूरी कर दी हैं, और सुकून रहा, मज़ा आया। बड़ी अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है भाई, यहाँ पर बैठे हैं, ग्रीनरी है, फुटपाथ के ऊपर आपके लगी हुई हैं कुर्सियाँ, लगाई हुई हैं इन्होंने, तो लोकेशन आप देख लें भाई। बाकी ये है कि क्लिफ्टन का एरिया है, और आप आके देख सकते हैं, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनकी, अभी सर्च भी कर लेता हूँ कि क्या है। बाकी ये है कि ज़रूर आएँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है भाई। अगर ओवरऑल देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा है, अराउंड चाय भी बहुत अच्छी थी, और हमारा जो डैमेज हुआ है भाई, वो आज का डैमेज हुआ है 440 रुपये का, जिसके अंदर एक पराठा था, सादा आलू का पराठा था, चॉकलेट पराठा था, और दो चाय थी। तो नॉट बैड, बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। तो जिसने करना है भाई, चॉकलेट पराठा ज़रूर ट्राई करें यहाँ का। बाकी तो आलू का पराठा भी नॉर्मल था, लच्छा पराठा भी नॉर्मल था, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ खाने की थी वो थी चॉकलेट पराठा। एंड बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भाई अपने इर्द-गिर्द में शेयर ज़रूर करें, और ज़रूर बताएँ कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है आपको हमारे एक्सप्लोर करने का तरीका और व्लॉग्स का। और भाई मैं हूँ एक्सप्लोरर, और ना कि इतना ज़्यादा फूड एक्सप्लोरर के तौर पे, या जगहें आपको दिखाते रहते हैं, डिफरेंट लोकेशन विज़िट करता रहता हूँ, तो एज़ आ एक्सप्लोरर मुझे बहुत मज़ा आता है चीज़ें एक्सप्लोर करने का, खाने की चीज़ें, शौकीन है खाने पीने के। तो ज़रूर अपनी कमेंट्स बताइएगा, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में फिर कहीं जगह पर या किसी फूड के एरिया में मिलते हैं आपको। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।